ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। 13 सितंबर के लिए है ये रीडिंग और हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट, फॉर्चून कुकीज, टैरो और हिंदी ओरेकल। सबसे पहले चैनल को लाइक करना ना भूले, ठीक है, एंड आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। सो लेट्स सी हमें क्या रीडिंग मिलती है सुबह सुबह की, उनकी एनर्जी हमें क्या बताती है, लेट्स सी। ठीक, देखो भाई, दो कार्ड्स आ चुके हैं। पहला ही जो कार्ड है वो है मैनिफेस्टेशन का कार्ड, ठीक है। एज यू कैन सी नाउ, मैनिफेस्टेशन यानी कि भाई कहीं ना कहीं पर्सन मैनिफेस्टेशन करते आ रहा है, जिसका प्रभाव अभी देखने को मिल रहा है। ओके, तो जो भी इन्होंने मैनिफेस्टेशन किया है, चाहे वो पर्सनल लेवल के ऊपर हो या फिर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर हो, उसके प्रभाव को अब आप दोनों ही महसूस कर रहे हैं। यू नो, मतलब ज़िंदगी में अच्छे बदलाव हो रहे हैं एंड इनकी हैबिट्स जो है वो सुधार रही है, दैट इज़ द वंडरफुल थिंग। तो कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बारे में हैं तो मनमुटाव जितने भी थे वो बहुत ही कम हो गए हैं, या फिर झगड़े अगर होते थे तो वो बहुत कम हो गए हैं। मे बी अगर इनको अपनी दिल की बात आपको बतानी थी, ओके, कहीं ना कहीं उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो अभी वो मौका मिलने वाला है। सेकेंड अगर हम कार्ड देखते हैं तो वो है नेचर, ओके। तो मे बी ये एक सही मौका है इनके लिए और आपके लिए कि नेचर के साथ अगर आप दोनों घुल मिल जाए। कई बार क्या होता है ना कि हम ऐसे जगह पे जाते हैं, जैसे कि मान लो गार्डन है लेकिन बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, क्राउडेड एरिया है, या फिर यू नो ऐसे ही चल रहे हैं कहीं पे एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हम कई बार हमारी दिल की बात नहीं कह पाते। इससे अच्छा अगर आप कहीं पे बीच पे चले जाए, या फिर यू नो बहुत अच्छा गार्डन है बट लोग जो है वो इन्जॉय कर रहे हैं गार्डन को, सीनरी को, तो ऐसे सिनारियों में क्या है ना कि आप भी अंदर से फ्रेश महसूस कर सकते हो एंड जो भी अपनी दिल की बात है वो बेझिझक एक दूसरे से कह सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे आ गई है। एंड सेकेंडली, इनके सोल के लिए एक हीलिंग हो रही है यहाँ पे, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। सो दैट इज़ अ गुड थिंग कि अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए इसके बारे में सोच रहे हो तो वो एक अच्छी बात निकल के आ रही है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें टैरो की क्या रीडिंग मिलती है। ओके, ट्रेडिशनल तरीके से करते हैं हम टैरो को शफल। पहले करते हैं 2-3 बार शफल एंड फिर करते हैं उसका चुनाव, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले जो कार्ड हमें मिला है वो है द चैरियट, यानी कैंसर साइन, कर्क राशि। आई थिंक ये पर्सन जो है वो बेसिकली वही चाहता है कि जल्द से जल्द इसकी हीलिंग हो जाए, ओके। एंड बेसिकली मे बी हीलिंग किस प्रकार की हो, जैसे कि हम कहते हैं कि मे बी हमें कोई इशू आ गया, हेल्थ का इशू है तो डॉक्टर है वगैरह, बट अगर माइंड का इशू है, मन का इशू है, नेगेटिव थिंकिंग का इशू है, तो उसके लिए क्या है, इसके लिए मैनिफेस्टेशन जो है वो वर्क कर रहा है। सेकेंडली, मे बी ये चाहते हैं कि आप उनसे और ज़्यादा कम्युनिकेट करें और मे बी आप इनको बताएं कि अब ये अपने अच्छे के लिए क्या कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं नज़दीकियाँ बढ़ाने का एक मौका वो ढूंढ रहे हैं। सेकेंड अगर हम कार्ड देखें तो ये है 4 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। आई थिंक ये एक मौका प्रस्त व्यक्ति है एंड मौका ढूंढ रहे हैं कि कैसे एक मौका मिले और वो आपसे बात करे। सेकेंडली, मे बी आपके लिए वो अपनी राह बदल रहे हैं, आपके लिए वो अपने चॉइसेस बदल रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। तो आई थिंक आप ही वो रीज़न हो कि क्यों वो अपनी ज़िंदगी में चेंजेस चाहते हैं। आई थिंक आप में उनको वो सुकून दिखता है जो इनको कहीं और नहीं दिखता। तो जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। बिना आपके ज़िंदगी उनकी कैसी है ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है कि भाई मेरे बगैर वो खुश हैं, ज़िंदगी जी रहे, तो ऐसा नहीं है। हम इस पर्सन को देख रहे हैं कि बड़ा सा चोगा पहना है, बट ए पर्सन यू नो कहीं ना कहीं उदास है। क्यों? बिकॉज उसके साथ इन्जॉय करने के लिए कोई नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। मे बी आपके साथ वो कनेक्शन फील करते हैं जो उनको पहले से चाहिए था। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटेकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉन। इसकी अगर हम बात करें तो आपके साथ वो प्रैक्टिकली भी जुड़ जाते हैं, यानी कि भी आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी है, मे बी आप दोनों की सोच भी काफ़ी हद तक सिमिलर है। या फिर अगर हम लाइफ के गोल कहें कि चाहे वो फिर जॉब्स के कनेक्टेड हो या फिर यू नो प्यार से कनेक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सिमिलर है और इसलिए आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट भी कर सकते हो। मे बी ये आपके लिए आया हुआ एक रिश्ता हो सकता है या फिर काफ़ी सालों से, बचपन से आप इस पर्सन को जानते हो।
वी गॉट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो सैज, ठीक है। आई थिंक देखो ये पर्सन आपको वेट नहीं करवाना चाहता बट बहुत जल्द आपको प्रपोज करना चाहता है एंड मे बी आपके सामने अपनी दिल की बात रखना चाहता है। अब देखो उसके बाद आप किस तरह से उनको रिप्लाई देते हो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आपको बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही कहो वैसे ही कहो। अगर आपको डीले करना है आप डीले कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली हाँ कहना है तो आप हाँ भी कह सकते हो, ठीक। अगला जो कार्ड मिला है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो साज। देखो ये आपके लिए वेट करने को भी तैयार है बट जो सबसे ज़रूरी बात है उनके ज़िंदगी में कि कहीं ना कहीं अब उनके ज़िंदगी में एक नई दिशा मिल रही है और इसलिए वो आपके ऊपर अब डिपेंडेंट होना चाहते हैं या फिर आपको बताना चाहते हैं कि भाई आप वो एक पर्सन हो जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करता रहूँगा। तो आपको फैसला करना है कि नेक्स्ट आप किस तरह से इनसे कनेक्टेड रहोगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स शिमिना लिब्रा एक्वेरियस। कम्युनिकेशन के मामले में अब ये पर्सन डायरेक्टली आगे बढ़ेगा एंड धीरे धीरे आप उनमें काफ़ी सारे बदलाव देख पाओगे, ठीक है। अगर आप अपने पिछले रिलेशनशिप के कारण रुके हुए हैं या फिर किसी को आपने क्लोज माना था और वो पर्सन आपसे दूर चला गया तो ऐसे पर्सन से आपको कम्युनिकेट फिर नहीं करना है, फिर ना ही उसके बारे में सोचना है। बिकॉज अगर आप ऐसे करते हो तो जो नेक्स्ट पर्सन है या फिर जो आपका ट्रू प्यार है वो आने में देरी हो सकती है। वी गॉट दिस वन जो कि है सेवन ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। देखो भाई जैसे हम कहते थे कि मौका परस्त हर किसी को बनना चाहिए जब भी मौका मिले जो आपके लिए सही हो, है ना। बिकॉज बीके सिस्टर शिवानी कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे नहीं है हर किसी को प्लीज करने के लिए, तो हम पहले खुद को देखें, खुद का ध्यान रखें। वही चीज़ यहाँ पे आ रही कि मौका परस्त अगर आप बनोगे जैसे कि यहाँ पे हमें ये कैरेक्टर दिख रहा है तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे हमें दिख रही है। एक और कार्ड देखते हैं जो कि है हर्मिट, ठीक है। अगर आप खुद से प्रयास करोगे कोशिश करोगे तो जल्द ही आपको वो समझने को मिलेगा या फिर वो ज्ञान मिलेगा, फिर वो रास्ते खुल जाएंगे जो कभी बंद थे। तो कहते हैं ना कि किस्मत का दरवाज़ा वो अभी मे बी डायरेक्टली आपके लिए खुलने वाला है, सो गेट रेडी फॉर इट, ठीक है। अब हम देखते हैं जो थर्ड है वो है हिंदी ओरेकल, ओके। देखते हैं हिंदी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो ये तीन कार्ड आ गए। पहला ये जो कार्ड है वो है रेक्यूपरेशन की, वही चीज़ें अच्छी हो रही है इसकी तरफ ध्यान दीजिए। मे बी ये पर्सन जो है वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा है, यानी कि उसके थॉट्स भी सही आ रहे हैं और मे बी आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहता है बट आपको भी उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट होने देना है। सेकेंडली चीज़ें वो है स्वीकारना यानी कि एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हो द वे ही इज़ और शीज, ठीक है। मे बी कुछ चेंजेस हो रहे हैं और कुछ चेंजेस उनके हाथ में नहीं है, जैसे कि मे बी इनको प्रमोशन नहीं चाहिए बट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है तो शायद कहीं पे दूर जाना पड़ेगा, बट ये आप दोनों की फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसको एक्नॉलेज करोगे तो एक बहुत ही उम्दा रिएक्शन हमें देखने को मिलेगा। सेकेंड जो चीज़ है कि भाई इनमें अगर आपको कुछ खामियाँ दिखती है तो उनको भी एक्सेप्ट करो। तो जो कार्ड है योजना, यस आप कुछ ना कुछ योजना बनाइए एंड योजना के तहत काम कीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप दोनों की जो लाइफ है वो काफ़ी बेहतर बनने जा रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि कौन से कार्ड हमें मिलते हैं, चलो दो कार्ड आ गए एंड भाई पहला जो कार्ड है वो है राइट यानी कि सही, चीज़ें सही होने वाली है और ये आपको मैनिफेस्टेशन करते रहना बिकॉज ये पर्सन भी हमेशा मैनिफेस्टेशन करते आ रहा है कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है थेफ्ट, कहीं ना कहीं अब इसका दिल जो है वो चोरी होने वाला है, सो गेट रेडी फॉर इट कि आप ही वो पर्सन हो जो इनका दिल चुराओगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो वो है सरकास्टिक निंदापूर्ण। हो सकता है आपको ऐसे कुछ लोग मिल सकते हैं जो आप दोनों के बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं बट आपको उनसे लेना देना नहीं है। और आई थिंक ये क्यों आ गया है अचानक से कार्ड, कहीं ना कहीं में भी ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इनके रिलेशनशिप के ऊपर कमेंट करते हैं फिर इनके कामकाज के ऊपर कमेंट करते हैं बट डिपेंडिंग ऑन दैट आपको उसकी तरफ पूरी तरह से इग्नोर करना है। नेक्स्ट कार्ड आ गया वो इनडिसिजन इज दुविधा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है या फिर लग रहा था कि ये पर्सन क्यों डीले कर रहा है अपने प्लान्स को, ऐसी कौन सी बात है जो उसको चुभ रही है, तो जवाब साफ है कुछ लोग जो है वो पीठ पीछे चुगली करते हैं बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो सही निर्णय नहीं ले पाते। इसलिए मैंने कहा बार बार कि आपके ऊपर अगर इनका कोडिपेंडेंस बढ़ गया तो आप सही डिसीजन लेने में इनको सपोर्ट कर सकते हो बिकॉज वही कार्ड आ गया सहायता। अगर आप इनको सहायता करते हो तो ये अपने नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आएंगे और सही डिसीजन ले सकेंगे। ये था आज का रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड।